सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पोकेमोन यूनाइट। जहां भाई हम लोग आज रैंक पुश करने वाले हैं, या आप लोगों ने सही सुना, एंड न्यू सीजन भी आ चुका है भाई। और मेरे को सबसे पहले शो में जाकर एक चीज़ चेकआउट करनी है कि जैसे जो है अभी आया है कि नहीं। एक्चुअली जैसे जो है नहीं आया यार, एंड या जैसे जो है अभी नहीं आया भाई। जैसे जो है कन्फर्म हो चुका है, वो भी ऑफिशियली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। बहुत खुशी हो रही है। जैसे जो है आ चुका है, एंड ग्रीडेंट का नर्फ आ चुका है फाइनली भाई। अब वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना पहले था, एंड मेरा रैंक देख सकते हो एक्सपर्ट क्लास 1 है। हालांकि मैं एक्सपर्ट क्लास 2 पे आया था, बट मैंने मैचेस खेले और टीम मैच इतने प्रो मिले कि मेरा रैंक गिर गया, या इतने प्रो टीम मैच थे, मैं क्या ही तो बोलूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड मैं देखता हूँ किस पोकेमोन के साथ खेलूँगा। बट सबसे पहले भाई मैं अपने टीम मेट्स को देखूँगा, वो लोग कौन सा पोकेमोन लेंगे यार। फिर उसी के हिसाब से यार देखो, मैं पोकेमोन्स लेने वाला हूँ। ओके, दो स्पीडस्टर है हमारी टीम में। ओके, ये बंदा ऑलराउंडर ले रहा है तो ज़्यादा बेटर है। ऑलराउंडर मेरे पास हैं बट दो हैं, और दोनों में से मेरे को माचैम ज़्यादा यूज़ करना था। गार्च मेरे को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना था, एंड अटैकर भी आ चुके हैं हमारे पास। भाई जब तक मेरी पूरी टीम कंफर्म नहीं कर देती, तब तक मैं कोई पोकेमोन सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, स्पॉटर मेरे पास है नहीं, मैं अटैकर के लिए जा सकता हूँ क्योंकि एक ही अटैकर है हमारे पास। ओके, डिफेंडर के लिए जाना पड़ेगा, डिफेंडर एक भी नहीं है। एंड अगर मैं सच बताऊँ तो ग्रीडेंट का नर्फ आ चुका है, एंड बचे स्लोब्रो और क्रसल, उनमें से मेरे को क्रसल ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना आता है। एक सेकेंड रुको यार, मेरे को आइटम्स कर लेने दो प्लीज़ 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 भाई, आइटम्स कर लेंगे, बड़ी बैरियर ले लेने दो प्लीज़ यार। हो गया कान गाइस, भाई मेरे को पहले ही कर लेना चाहिए था। शिट यार, आइटम्स नहीं ले पाया। ओह माय गॉड, ओपोनेंट में दो बंदे चाइनीज़ आए हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है यार। चाइनीज़ बंदों से यार डर लगता है लिटरली। तो गाइस, आप सभी लोग स्वागत भाई इतने टफ बैटल में, एंड ये बैटल काफ़ी टफ होने वाली है, मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि ओपोनेंट की टीम एकदम परफेक्ट है भाई। एंड ये वाला मैं इसे लेने दूंगा, क्योंकि भाई ओपोनेंट की टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, उन लोगों के पास हर एक टाइप का है, और मैं उसी को ही फार्म करने दूंगा भाई। क्योंकि अगर फॉर्म भाई देखो, अभी मैंने इसको फार्म भी नहीं करने देना, ये बंदा मेरा चुराने है, मुझे ऐसा लगा। बट नहीं गाइस, ये मेरा टीममेट अच्छा मिला भाई मेरे को, उसने मुझे फार्म करने दिया अभी, क्योंकि उसे पता है कि मुझे भी फार्म करना ज़रूरी है। बट ये वाला थूम ले लो भाई यार, हम आगे चले जाएंगे। ओह शिट, मैंने उसी पे यूज़ कर दिया यार, मैं क्या कर रहा हूँ ये, जबकि मुझे इसे लेने चाहिए अभी गाइस। ऊपर मेरे को ज़रा देखना पड़ेगा, सॉरी अब जो ओह शिट, निकल जाओ यहाँ से, ये तो दोनों की खोपड़ी खोल दूंगा भाई मैं। एक सेकेंड गाइस, ये ले पकड़। ओके भाई, वो मरने वाले, प्लीज़ उसको मार स्कोर बने, क्या कर रहे यार तू। एंड इससे मैं चुरा रही हूँ, और मेरा वो मिस हो गया एक्चुअली। ए ज़्यादा पंगे मत लो, शिट मेरी खोपड़ी खोल देगा, एंड मुझे उसे बचाना पड़ेगा अभी। रुको रुको रुको, अरे वो यूज़ नहीं हुआ, नेटवर्क वो हो रहा है मेरा अभी। एंड यार गाइस, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया भाई, फाइनली रोक तुम आ गया। बट मैं इनो को लेने वाला हूँ, ये लो भाई, इनो 20 को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो भी बोलो। एंड मेरे को मेरे अभी 4 मिलियन, और उससे भी बचाना पड़ेगा यार। शिट, आ जाओ भाई, अब तुम लोग तो गए। ओ शिट, मैं मर गया गाइस, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा कुछ भी करके। रुको रोहरा, अभी ये भाग नहीं सकेगी इतनी आसानी से, तो ये नहीं भाग पाएगी गाइस। देखो, आई नो स्टेल्थ रॉक ज़्यादा बेटर है, बट मैं एक्सीजर दूंगा यहाँ पे फ्यूरी कटर में, एंड रॉक तुम की जगह जो भी आते भाई, माइट भी रॉक तुम की जगह स्टेल्थ रॉक आता है, बाकी मुझे नहीं मालूम। बट या रॉक तुम वो सेल्समैश, आई नो सेल्समैश भी अच्छा है, बट मैं यहाँ पे जो यूज करता हूँ। भाई मेरे को मार दिया, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट थे, हमारा 4 मिलियन भाई हेल्प ही नहीं कर रहे उसकी यार, ऐसे टीममेट्स क्यों दिए मेरे को। एंड गाइज, ऊपर हमारे वो दो बंदे स्पीडस्टर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बट वो लोग कर नहीं रहे हैं मेरा नेट। तो भाई यहाँ पे एक्सीजर्स मैंने ले लिया, एंड अभी अभी तो भाई नेट सही चल रहा था, जैसे रिकॉर्डिंग करूँ स्टार्ट की भाई नेट का नहीं भल्ला हो गया। अरे एक्सीजर यूज कर ले भाई। ओके, मेरा 4 मिलियन नूब है भाई, मैं पहले ही बता दूँ आप लोग को। ऊपर से मेरा रिकनेक्टिंग आ गया,
ओके भाई जो भी है यहाँ पे पिटेगा भाई, मैं जा रहा हूँ। इतने सारे बंदे भाई भाई भाई, मेरे को छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे, छोड़ दी मुझे। एंड ऊपर माइट भी रोटोम, हाँ रोटोम आ चुका है गाइज ऊपर, एंड रोटोम लेना ज़्यादा बेटर है। और उन्होंने ले भी लिया भाई मेरे टीममेट्स ने, एंड सॉरी सॉरी एंड ये तो ओ गाइज ओपी, उसने अपने लिए ही गड्ढा खोल दिया भाई, वो खुद ही आ गया उधर। एंड नीचे वो लोग ड्रेडनो ले रहे हैं ना भाई, अगर एक भी टीममेट आ गया ना यहाँ तो भाई ड्रेडनो चोरी कर लेंगे हम लोग। बट नहीं गाइज मैं मर जाऊँगा ऐसे ड्रेडनो लेते लेते। अरे भाई ये एल्डेगोस बहुत गलत कर रही है, वो किल चुराने के लिए आ रही है, बट ये पिट जाएगी क्योंकि एक स्पोर्टर है भाई। लो भाई पिट गई, फंस गई ना उधर, मैंने कहा था गाइस ये नहीं बचेगी। एंड इससे पहले कि वो लोग नीचे डेडनो, ओके डेडनो ने रिकवरी कर ली भाई। ऊपर वो दो जने होकर एक बंदे को नहीं संभाल पा रहे, उनको बैकअप चाहिए, और इधर हम तीन बंदे पूरी की पूरी स्कोर को संभाल रहे हैं। ये लोग पर भाई ख़त्म करो, इसकी भी कहानी ख़त्म करो भाई। और मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। एंड मेरे पास आ चुके हैं 30 गोल्स, एंड हमारे उसको देखो यार कहाँ गोल कर रहा है वो। एंड गाइस इसको मैं अपने साथ ही लेकर जाने वाला हूँ, आई नो ये मेरे को मार देगी भाई। ये ले पकड़, उसको देख ले सिंडरेस, तो भाई सिंडरेस कितना बड़ा नूबड़ है यार, उससे भी नहीं मार सकता वो, स्पोर्टर को ही नहीं मार पा रहा हमारा सिंडरेस, फिर फायदा ही क्या है इसका। ओके वो अच्छी बात, ऐसे भी निकलना होगा। चार मिनट के ऊपर वाला ले, मैं नीचे वाला ले लेता हूँ बैरी। एंड यहाँ पे आ चुका है ये लो भाई, ये ले पकड़ भाई, भागने की कोशिश कर रहा था। एंड गाइज मुझे कुछ भी करके अभी गोल करना पड़ेगा। ओके ओ भाई यार लेगो स्लो ग्रो उधर ही अटक गया भाई, तू बेस में जा या भाई थोड़ी देर। एंड अभी तक गाइज हम लोग ब्रेडनो नहीं ले सके हैं, एंड ये भी मर गया गाइज। और मेरे पास 34 पॉइंट्स है, क्या मैं कर दूँ। ओके भाई नीचे उसने ब्रेडनो ले लिया गाइज, नहीं। ओ भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये। फाइनली गाइज ट्रेडनो हमारा हो गया, एंड हमारे पास 40,000 आ चुके हैं अभी। इसने क्या करूँ, ओके भाई मेरे को बचा ले भाई, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके गाइज मुझे इसे भी बचाना पड़ेगा अभी। मर गया भाई। चलो अच्छी बात है भाई। गाइज अभी कुछ भी करके ये गोल करने हैं हमको, अदरवाइज वो भाई ऊपर क्या है तो भसड़ मची हुई है। ओके बेस में सॉरी यहाँ पर आ जाओ भाई, गोल जोन में आ जाओ भाई, जल्दी आओ ना। हमारे भाई वो दो बंदे लिटरली नीचे हेल्प करने आ ही नहीं रहे हैं, तो गाइज मैं ओ एक्चुअली उन्होंने दो गोल जोन डिस्ट्रॉय कर दिए, अभी उन्होंने को भाई यहाँ पे आना चाहिए, बट वो लोग नहीं आ रहे हैं पता नहीं क्यों ही। एंड ये लो भाई उसने मेरे को ही उठाया, और कोई तो उसे मिला ही नहीं उठाने को। एंड गाइज मैं बिल्कुल भी अटैक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं मारा जाऊँगा। एंड मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, आई नो ये गलत है बट मुझे करना पड़ेगा अगर जीतना है तो। एंड मैं अभी सेंटर में, सेंटर से जाऊँगा डायरेक्ट, उधर गोल करूँगा, बाद में मैं अपने आके टीममेट्स की हेल्प करूँगा। आई डोंट थिंक कि मेरे को उधर जाना भी चाहिए गाइज, क्योंकि ओ शिट इसने मेरे को देख लिया। ओ नो 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 नो, वैसे गाइज ये मुझे मार तो नहीं पाएगी क्योंकि मैं इसको इसके ऊपर, अरे मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ अपना एक्सक्यूजर्स। ओके गाइज अभी मुझे करना ही पड़ेगा। फाइनली भाई मेरा आया तो सही है, मेरी हेल्प करनी है। वाह भाई इसने अपने यूनाइट में वेस्ट किया। मुझे यहाँ पे छुपना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, मेरी हेल्थ लो है। एंड या उनका एक बंदा वो रिवाइव हो चुका है अभी, उसको पहले यहाँ से निकल लें। जो अलोला नाइट है उसको देखो ये जा रही, एक और बंदा आया क्या, हाँ यार यहीं से ही गया। ओके 40,000 भाई अच्छी बात है मैं बाहर नहीं निकला। एंड अभी गाइज मैं गोल गेटर का इस्तेमाल करके यहाँ पे 40 का गोल मार दूंगा। ये लग पड़ो गाइज हो गया मेरा काम तो। एंड ऊपर रोटोम आने वाला है, एंड मैं रोटोम लेने जाने वाला हूँ गाइज। एक्चुअली नहीं लेना चाहिए हमको, नीचे जाके सबसे पहले भसड़ ख़त्म करनी पड़ेगी मुझे तो। मैं पीछे से अटैक करूँ क्या, मैं इसको गोल जोन से बाहर निकाल सकता हूँ क्या। एंड ये ले पकड़ भाई, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था वो। ओपी नाइस, अभी इन्हों को मिडल में आ जाना चाहिए। गेम वैसे हमारे हाथ में है पूरी गेम, बट भाई अगर ओपोनेंट ने ले लिया ज़ैपडोस तो गेम पूरा चेंज कर सकते हैं वो लोग।
एंड भाई अगर मेरी टीम, ओ भाई वो मारने वाला है, उसको मार दो यार, मार दो, ओ शिट हमारा वो तो गया गाइस। एंड यहाँ पे मैं छुप के ही रहने वाला हूँ क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पंगे लिए ना तो मैं मर जाऊँगा। ऊपर से मेरे पास यूनाइट मूव भी नहीं है भाई, वो लोग किस क्या है तो स्पीड से ले रहे हैं उसको, क्योंकि उसने 8 का गोल करके वो जोन डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। भाई कोई तो आ जाओ यहाँ पे गाइज, मैं इसको स्टील नहीं कर पाऊँगा मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि मेरे पास एक क्रसल जो कि एक डिफेंडर, एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई उन लोगों को मार देने का। वो भाई मैं बच गया, ओ शिट 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 मेरा नेट टूट गया भाई, अभी होना था क्या ये। एंड उन्होंने यहाँ पे ज़ैपडोज़ ले लिया, अभी ले भी लिया होगा भाई, ऑफकोर्स ली उन्होंने ले लिया यार मेरा नेट। शिट यार मेरा नेट उसी टाइम पे जाना था क्या भाई, लिटरली ये बहुत टफ बैटल होगा, बट हम लोग जीत जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी ना कि किसी भी पोकेमोन के पास इतने स्कोर नहीं है कि ये हमारे ये बाकी के वो डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ कोई बात नहीं भाई, ओ यार ये क्या है भाई, मैं तो एकदम परफेक्ट है भाई मेरा, ये गेम का भी ग्लिच है यार, लेकिन उन्होंने अभी तक सेट नहीं किया। प्लीज़ मेरी पिंग गाइस एकदम सही चल रही है, बट पता नहीं क्यों ही ये आ रहा है, ये आ रहा है। ओके भाई मेरा नेट चल जा, प्लीज़ 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 जा। वो उड़ गया भाई, वो भाग गया डर के मारे, 50 पॉइंट्स खोने के डर से वो उड़ गया। एंड मैं ऊपर जाने वाला हूँ, प्लीज़ नेट चल जा भाई, चल ले यार। गाइस मेरे FPS एकदम परफेक्ट हैं, बट मेरा नेट पता नहीं क्यों चल रहा है। ओ भाई इतना कम टाइम रह गया, ये लोग नहीं कर पाएंगे गोल, मैं पक्का बता देता हूँ गाइस। मैं यहीं पे आ जाता हूँ क्योंकि भाई उन्होंने ज़ैपडोज़ लिया वो तब भी नहीं कर पाए। रिट्रीट करो भाई, टाइम अप हो गया, जीत गए हम लोग ये। ओके इजी विन था, सारे अच्छे खेले भी, हर एक टीममेट ने काफ़ी अच्छा खेला, जो भी बोलो काफ़ी सही मैच था यार। मेरा 7 स्पोर्ट है, 7 अटैक है, और आई मीन 7 किल है, 7 स्पोर्ट है और 51 गोल। गोल नहीं कर पाया बट यार भाई मैंने काफ़ी टाइम तक नीचे का गोल जोन बचा के रखा सेंडे रेस के साथ और इसके साथ। चाइजर को भी लाइक दे देते हैं, उसने कुछ किया तो सही भाई, भले थोड़े टाइम के लिए किया बट या कर दिया उसने। सो यह गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड ये वाला रैंक पुश काफ़ी ज़्यादा टफ लगा था स्टार्टिंग में, बट अभी हो गया यार अच्छे से भाई, बिना किसी दिक्कत के जीत गए मैच को। सो यह गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।